हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो पे। और इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ अपने होटल के सामने एलओडी, और यहाँ पे मेरा है सामने होटल इधर ही। तो भाई आज हम जा रहे हैं रत्ना पार्क, जो कि काफ़ी फेमस है काठमांडू में। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ का शायद मार्केट और वहाँ की जो भी कुछ मिलता है दिखाने लायक वो आपको दिखाते हैं। और बहुत ही तगड़ी वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। और एलओडी तो है ही फेमस, तो चलो अभी चलते हैं रत्ना पार्क की तरफ। एक अलग ही ट्रेडिशन में वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर, तो आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मिलते हैं वहाँ पे रत्ना पार्क में फंक्शन में, ठीक है। 2000 years later तो भाई सारे के सारे भाई आए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, और हमारा गन्ने का जूस यहाँ पे रेडी है। और गन्ने का जूस पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। थक गए हैं, 1 किलोमीटर चल के तो सोचा गन्ने का जूस पी लेते हैं, और गन्ने का जूस पी के हम सीधा निकलते हैं रत्ना पार्क के लिए। तो गाइस गन्ने का जूस हमारा रेडी है और पीने के लिए हम तैयार हैं। नेपाली गन्ने का जूस है ये, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। चीयर्स। ये भाई हमारे अंडरवेयर पे अंडरवेयर ले जा रहे हैं, और यहाँ पे एक और अंडरवेयर पैक होते हुए। आपको दो कितनी अंडरवेयर ले ली भाई? दो। यहाँ से आके लो सामान, जहाँ से आके वंस मोर, यहाँ से आके लो सामान, जहाँ से आके आलू 20 रुपए के लिए आलू लो। सारे ना बंदे ने अपने वो प्यार में आलू बेचता था क्या? तुम ये बंद बोला बंदूक लेके दौड़ो। न्यू ईयर का फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, न्यू ईयर बनाया जा रहा है नेपाल में इस टाइम पे। तो दिखाता हूँ मैं आपको अभी आगे। तो गाइस यहाँ पे जितने भी बंदे जा रहे हैं सबको यहाँ पे मिठाई दी जा रही है, इस तरह की कुछ मिठाई दी जा रही है सबको यहाँ पे मिठाई दी जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। मिठाई में क्या क्या मिला है, मिठाई में बता दो यार क्या क्या मिला है। भाई बिस्किट है, बिस्किट मिला है यहाँ पे, ये ब्रेड है, और ये बिस्किट, सबके में यही है यहाँ पे। Oh,
सो गाइस यार यहीं पे आए थे हम आज, यहाँ पे न्यू ईयर फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा था, सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ का न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे सारे लोगों ने रेड कलर का कपड़ा पहना था, वो मुझे नहीं पता बट यहाँ का शायद ट्रेडिशन हो कि न्यू ईयर के दिन पार्टी के दिन यहाँ पे सारे के सारे रेड कलर पहने। सो गाइस यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लेना भाई जो भी नया, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।